ने क्या समझा, टेडी बेयर बैठा है ना अभी। कितने पैसे जाया किए किसके इस पे, क्यों भाई मुझे प्यारा लगता है। हम नीना टू डियर बेबी शार्क लव यू, वो मुझे नीना उसकी माँ कैसे बोला। और बहुत एक गुड न्यूज दे रहा हूँ, हार्ट टचिंग गुड न्यूज कि मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सुबह के नहीं सॉरी दोपहर के जो है एक हो रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कैट को लेके डॉक्टर के पास। फिर आज जैसे ही कैट कुछ ठीक होगी इसकी मेडिसिन लेके मैं आज ही किसी को ही दे दूंगी, ताकि क्योंकि मैं घर में नहीं, इसने घर में रात को जो रूम में ही इसने कर दी थी, तो जब घर रूम में ही इसको, क्योंकि उसके पास कोई प्लेस ही नहीं, इसको वॉशरूम कैसे लेके जाए, एक दिन में इसको मैं कैसे खा दूँ, उसमें रूम में भी स्मेल हो रहा है ऊपर से सांस का मसला हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं रख सकती। और यकीन करें मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको रख लूँ अपने पास, पता नहीं मुझे बहुत कैट्स, मुझे कैट्स बहुत पसंद है। आ जाओ माना चले, इसका मैंने नाम रखा है माना। तो नाम नहीं है ना, खड़ा नहीं, मुझे नहीं पसंद है माना, कोई और नाम रखो। और कोई नाम नहीं आता बेटा मुझे, बस यहीं सही। तू मुझे माना मैं नाम रखने वाली। अरे चलो ना अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, जब तुम्हारी मम्मी पे इंजेक्शन लगाएगा तुम्हें तब पता लगेगा। इसके फेस की हालत देखें क्या हो रही है, ये देखें अब ये तैयार है, इसकी हालत देखें, इसको ये हालत भी देख लें, इसको खूबसूरत बना करूँगी फिर भी देखेगा। तो हम लोग आए हैं एनिमल लैंड, माओ को भी हम लोग यहाँ पर लेकर थे, माओ तो सही थी लेकिन उसको जानती थी मुझे कि भाग रही अब डर रही है। और अगर इसको डॉक्टर के पास लेकर आए तो उन्होंने कहा कि इसके जो है यहाँ से ट्रिमिंग हो, क्योंकि यहाँ पे इसके जो है बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, मैट्स हो रहे हैं, हाँ मैट्स हो रहे हैं इसके, तो उसका वो होगा। इसके अलावा इसको वॉश भी कराएंगे, इसके मेडिसिन भी लेंगे और खैर देखते हैं इसके बाद क्या करना। तो अभी जो है ना हम इसके बॉडी जो है वो ट्रिम करवाने लगे हैं, मुझे ये माओ के याद दिला रहे, माओ भी ऐसे थी हमारी, माओ को भी हम ऐसे ही लेकर आए थे। सो अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाहर आके बैठ के मुझे इसको देख के उसको दर्द हो रहा था, तो मुझे ना कुछ हो रहा दिल को, मेरा दिल ही बैठे जा रहा था। जब तक उसका ट्रीटमेंट हो रहा तब तक मैं यहाँ पे बैठती हूँ, वेट करते ना करे कुछ अच्छा ही हो, बस जल्दी से हो जाए। तो भी यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल तो रहा है, मैं अंदर नहीं रुक पा रही क्योंकि मुझे कसम से उसका दर्द नहीं देखा जा रहा, कि उसको क्या हालत हो रही है उसकी मुझसे नहीं देखा जा रहा। तो अब इसको वॉश करा लिया गया है, इससे तंग तो बहुत किया लेकिन ये लोग बहुत आराम से इसको डील कर रहे हैं। तो अभी कैट को लेकर हम लोग आए हैं यहाँ पर घर में, मुंह धो लो कि मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, मुँह हाथ धो के तो फिर मैं थोड़ा खाना कुछ खाती हूँ, सुबह से खाना भी नहीं खाया। फ्रेश तो मैं हो गई हूँ लेकिन मैंने अभी साढ़े तीन और 3:10 और तो मैंने कुछ खाया नहीं, तो इसलिए मुझे चक्कर जैसे आ रहे। तो अभी ये मेरा खाना चुका है, मैं खाना खाती हूँ, अभी तकरीबन टाइम और 4 बजने में बाकी जो है 20 मिनट रह रहे हैं, अब मैं सुबह का नाश्ता करने लगी हूँ। खैर कोई नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल पीछे छोड़ देती हूँ। तो मैंने खाना खा लिया और ये हमारा सारा मम्मी लेके जा रही। खाना मम्मी अभी ना मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ ना बिल्ले को, अब सोची कर बॉईल करके खिला देना ठीक है, फिर मैं शाम में आऊँगी। अच्छा तो अभी हमें इसको यहाँ पर इधर आई थी इसके पास, और मैंने सोची थी कि मैं इसको किसी को दे दूँ, मेरे साथ 2-3 लोगों ने बात की, उनको जाके घर देख कर इसको देख कर तो मैं इसको दे आऊँगी। पर फिलहाल तो मैंने बात की है किसी से, 2 लोगों से, अल्लाह करे कोई ना कोई इसको अडॉप्ट करने के लिए कर ले बात। तो कल आयत की बर्थडे है तो मम्मी उसके लिए लेकर नहीं आई है, यहाँ से खिलो चलो अभी पसंद करो अब यहाँ से। तो अम्मी ने ना जो गिफ्ट है उसके लिए मैं इसका फेस रिवील जो है वो नहीं करूँगी आज। तो हम लोग हमेशा इस शॉप पर आते हैं और भाई ने भी अभी न्यू चाहिए, भाई को थोड़ा सा शर्म आ रही है। अमेजिंग टॉयज स्टोर के नाम से है इनका चैनल, लाजमी जाके आप लोगों ने सब्सक्राइब करना, भाई बहुत अच्छे हैं पर आते हैं ज़्यादातर। मैं अली को भी लास्ट टाइम इधर लेकर आई थी, उसके टॉयज अब लेने थे, तो लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। फिर से भूल के नाम बताएगा, अमेजिंग टॉयज स्टोर के नाम से। अम्मी ने तो अपना गिफ्ट जो है वो पैक करवा ली और मैंने आयत के लिए लिया है, तो उसको बहुत अच्छी लगेगी ये चीज़, तो मैंने कहा चलो ठीक है अम्मी आपने जाके मेरा गिफ्ट उसको दे देना ठीक है। दे दूंगी, ओके। अच्छा यहाँ पर आने के बाद मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि पैकिंग के चाहे के क्या चार्जेस है, तो उन्होंने कहा कोई चार्जेस नहीं है। तो मैंने कहा शायद आप मुझसे नहीं कहते नहीं, यहाँ पर जो भी आएगा आप पैकिंग करवाएंगे तो वो पैकिंग जो है
बिल्कुल आपको फ्री में कर देंगे, तो वाई नॉट आप लोग लाजमी यहाँ पर आएंगे। खड़ा मार्केट में है, अमेजिंग टॉयज के नाम से इनकी शॉप है, तो आप लोग लाजमी आप लोग भी विजिट कीजिएगा और फ्री में पैकिंग कराइएगा प्यारी सी। तो जो है ये आयत के लिए मेरा जो गिफ्ट है वो पैक हो चुका है और मैंने इस पर लिखा है फ्रॉम नीना टू डियर बेबी शार्क लवर। वो मुझे नीना कहती है और मैं उसको बेबी शार्क कहती थी, तो इसलिए मैंने उसको ये भिजवा दिया। तो मैंने यहाँ पे ये लिया, ये कितना अच्छा लग रहा है, रुको हम इसको लगाते हैं एक सेकंड। पैसे आपको भरने पड़ेंगे। तो अभी हमने गिफ्ट दे रही है, अम्मी जा रही है यहाँ से वापस घर। तो ना अभी रात का 1 बज रहा है, तो मैं अम्मी के पास आ गई थी लड़के से, तो मैं लड़ाई हुई तो अभी हमने फूल लेकर आया। लेकिन हमें रात के दरख्त के नीचे फूल लेके खड़े नहीं होते ना, हाँ रात को दरख्त के नीचे फूल लेके खड़े नहीं होते ना, मैं ही ऐसा कुछ नहीं। चलो भाई मैं क्या समझा, टेडी बेयर बैठा है ना अभी। कितने पैसे जाया किए हैं? किसके? इस पे। क्यों पैसे? 650? नहीं। हाँ 850? नहीं। हाँ 500? ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से गुजरते हुए मुझे छोटे से कुत्ते का बच्चा दिखा और उसके टांग भी जख्मी और उसको दूध, वो मुझे देख के मुझे रोकने की कोशिश कर, तो मैंने सोचा मैं उसको घर तो नहीं लेके जा सकती, ऑलरेडी मेरे घर में एक कैट है, उसको एटलीस्ट दूध दिला के दे सकती हूँ, मैं दूध यहाँ से लेके जाऊंगी उसके लिए। बस सही है, दूध तो मैंने पकड़ लिया यहाँ से। हमारा बड़ा घर क्यों नहीं है, मैं उसको नहीं बचा सकती। किस में रखोगे उसको? मैं कैसे, वही कह रही हूँ कैसे ले लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी मेरा साथ देने वाला इस दुनिया में नहीं। चलो तो सही इसको दे दो, सही आ जाओ। मुझे खैर पता नहीं मैंने इसको क्या करना, क्योंकि मेरे साथ भी नहीं आता चीखता, तो मैं इसके लिए भी दूध ये यहाँ पर रख दिया है, बाकी मैं इसको आके शाम में कल सुबह फिर सुबह सुबह आके उसका चक्कर लगाऊंगी, उसको देख के जाऊँगी, इसकी मदर यहीं पर ही होगी, मैं इसको लेके चल जाऊँ फिर कहीं इसको अपनी मदर के बगैर ना हो जाए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास क्यों इतना छोटा घर है कि मैं किसी को भी रेस्क्यू नहीं कर पाती। खैर छोटे से कुत्ते तुम्हारा बहुत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती, तुम मुझे देख के बुला रहा था लेकिन सुबह सुबह तुम्हारे पास आऊँगी। तो अभी अंकल हैं इनके पास, उनका ख्याल रख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकल। सुबह फिर मैं भी आके देख जाऊँगी, और अभी तो खैर अंकल हैं, अंकल यहीं पर रहते साथ में, तो वो उनका कर लेंगे देख कर। माइलो, माइलो नहीं अब नहीं रिस्पॉन्स कर रहा। मिल्की बोलो। मिल्की यही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी और बहुत एक गुड न्यूज़ दे रहा, हार्ट टचिंग गुड न्यूज़, कि मुझे इंस्टा पे किसी ने रब्ता किया और उसने मुझे बोला कि आप इसको मिल्की के नाम से बुलाओ। जब हमने उसको मिल्की के नाम से बुलाया तो वो लिटरली उसके पास, मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहा था, और जब उसने बोला ना कि मैसेज किया कि मैं रो रहा हूँ, तो मतलब मुझे इतना वो बात फील हुई है ना कि मतलब कैसे। और उसके बाद अभी एक और चीज़, मुझे भी एक छोटा सा पपी जो आप लोगों ने देखा, उसको मैं रेस्क्यू नहीं कर सकती अपने घर में, कैसे ला के रखूँ मैं, इतना छोटा घर है, मैं दो को रखूँ कि लड़ ना पड़े एक दूसरे को मारे ना। मैं इस टाइम खुद को ऐसा फील कर रही हूँ जैसे कि पता नहीं दुनिया की सबसे लाचार कोई लड़की होती है, एक को तो कर लिया अब एक को नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या मैं। लेकिन मैंने बात की है टीम से और बस तो आ करें कि वो सुबह आके इसको ले जाए, लेकिन इसको तो मैं वापस नहीं करूँगी, इसको तो मैं इसके मालिक तक पहुँचाऊँगी। इसकी मैं आप लोग को जो जहाँ पर ये घर में रहा था, मैं आप लोग को वो वाली पिक्चर भी शेयर करूँगी इसकी, कि किस हाल से ये किस हाल में हो गए। इसी के साथ साथ मैं आज का व्लॉग ये एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी कल आप लोग इतने व्लॉग के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।